हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नवंबर की मैगजीन को हम कवर कर रहे हैं विजन आईएएस की, जिसमें काफ़ी सारे 60-70% हम पार्ट कवर कर चुके हैं अपना। इसका अब साइंस टेक रह गया है और ये आज हम कल्चर को और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको कवर कर लेंगे। तो 70-80% करीब हम कवर कर चुके होंगे। एक दो वीडियोज में पूरी मैगजीन कवर हो जाएगी, फिर हम जल्दी से जल्दी दिसंबर की मैगजीन को स्टार्ट करेंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, द क्राउन सक्सेस ऑफिशियल। और इसके अलावा अगर वॉइस वगैरह में आपको कोई देखो कुछ चेंजेस होते रहते हैं धीरे धीरे करके, कभी माइक का चेंजेस, कभी वॉइस में क्वालिटी, कभी इफेक्ट, तो ये सारी कुछ चेंजेस होते रहते हैं। तो वॉइस आपको कैसी लग रही है आप भी वो भी कमेंट करके बताना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है सुनने में, परेशानी तो नहीं है, क्लियर वॉइस है, अच्छी वॉइस है, तो वो भी बताना अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो। वैसे तो मैंने चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो वॉइस भी अच्छी रहेगी। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। पहला टॉपिक जो हमारा है आज, कुतुब शाही आर्किटेक्चर के बारे में यानी स्थापत्य कला के बारे में चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि गोलकुंडा या गोलकुंडा किला, गोलकुंडा भी कहते हैं इसे या गोलकुंडा किला भी कहते हैं, इसके जो कुतुब शाही मकबरे में एक बावड़ी स्थित है। ठीक है, बावड़ी क्या होती है, पानी के इस तरह से कुछ टैंक टाइप का होता है, ये बावड़ी स्थित है। इसको सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को के एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। और इससे रिलेटेड फैक्ट अगर हम देखें तो ये गोलकोंडा किला तेलंगाना की बावड़ी यानी 16वीं सदी में निर्मित एक कुआं है ये, ठीक है। और इसकी संरचना जो है फारसी शैली में निर्मित है, संरचना जो है इसकी फारसी शैली की है। और इतिहासकार बताते हैं कि बावड़ी के अंदर से हाथियों की मदद से पानी निकाला जाता था। ये कुछ इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। इस स्मारक को पुरस्कार दिया गया है, जैसे ये पुरस्कार जो है ना कुछ निम्नलिखित श्रेणियां हैं जिसके अंतर्गत दिया गया, जैसे उत्कृष्टता यानी कि सुंदरता के लिए, इसकी विशेषता के लिए, मेरिट के लिए, विरासत के संदर्भ में, नए डिजाइन के लिए, ये कुछ विशेष मान्यता पुरस्कार इसको प्राप्त हैं। और यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार की शुरुआत साल 2000 में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण कार्यक्रम के लिए की गई थी, ठीक है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। और अगर हम भारत के अन्य पुरस्कार विजेता स्मारक की बात करें 2022 में जिनको मिले हुए, जैसे उत्कृष्टता के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय मुंबई महाराष्ट्र में मिले हुए, पहले इसे जो है पश्चिमी भारत के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय के रूप में जाना जाता था। मेरिट पुरस्कार में आपका डोमगोंडा किला है तेलंगाना में, फिर भायखला स्टेशन मुंबई महाराष्ट्र में, ये कुछ सारे हैं। अब मेन जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो स्थापत्य कला यानी कुतुब शाही स्थापत्य कला के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं हम। देखिए जो गोलकोंडा किला है ये कुतुब शाही मकबरा, चार मीनार और तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद में ये स्थित है, ठीक है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद, तो हैदराबाद में ये स्थित है। और सभी ऐतिहासिक स्थान जो है कुतुब शाही राजवंश की स्थापत्य कला के प्रतीक है, जो ऐतिहासिक स्थान है, ठीक है। अब इनकी विशेषताओं में अगर हम देखें जो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, जैसे इमारतों में गुंबदों के स्थान पर मीनारों का यूज किया गया, ये मीनार बनाई गई हैं, इस तरह से कुछ मीनारें बनाई गई हैं, ठीक है। गुंबदों के जो गुंबद कैसे होते हैं, गोल तरह के जो होते हैं, यहाँ पे मीनार टाइप के बनाए, शिखर बनाए गए हैं। और अलंकरण समाजवाद है यहाँ पे, सजावट बहुत ज्यादा है यहाँ पे। और इमारतों की जो मुंडेर है उनको अलंकृत किया गया बहुत ज्यादा, टाइल्स के यूज के साथ कहीं स्टूको प्लास्टर का भी यूज किया गया। स्टूको क्या होता है, दीवार पर प्लास्टर की एक विधि है, दीवार पर प्लास्टर करने की एक विधि है। और इसकी सामग्री में पोर्टलैंड सीमेंट, रेत और अल्प मात्रा में यानी कम मात्रा में चूने से बनी होती है। इमारतों में काले बेसाल्ट पत्थर का जो है यूज ज्यादा किया गया। और अगर हम चार मीनार और गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम थोड़ा सा अंतर करें तो देखिए गोलकोंडा जो है ना किलेबंद दुर्ग है, ये कुतुब शाही राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। इसके परिसर में जो है स्मारक फारसी पठान और हिंदू स्थापत्य शैली का मिश्रित रूप है। इनके निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया और ऐतिहासिक इमारतों की सतह जटिल नक्काशदारी प्लास्टर वर्क से सुसज्जित है। इसके अलावा कुछ स्मारकों पर पॉलिशदार टाइल्स का काम भी किया गया है। और चार मीनार की अगर हम बात करें तो ये स्मारक जो है ग्रेनाइट के चौकोर खंभों से बना है जिन्हें उत्तर दक्षिण पूर्व और पश्चिम दिशाओं में चार विशाल मेहराबों पर बनाया गया, निर्मित किया गया। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में कराया गया। दुनिया का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण चूने के गारे और ग्रेनाइट के इस्तेमाल करके बनाया गया, ठीक है जी। इसके बाद आता है आपका चार मीनार और चार कमान का जो नगरीय स्थापत्य, वो द्वितीय इस्लामी सहस्राब्दी की शुरुआत के प्रतीकात्मक और औपचारिक अर्थ के साथ गहराई से जुड़ा है। ये शिया नगर नियोजन का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है। और अगर हम कुतुब शाही मकबरे की बात करें तो इन मकबरों की स्थापत्य कला बीदर के आरंभिक बहमनी मकबरों के
ज्यामितीय डिजाइनों से ही उत्पन्न हुई है। और यहाँ पर जो अलंकरण किया गया उस स्टू को अलंकरण, वो बहमनी मकबरों की तुलना में बहुत ज्यादा जटिल है, व्यापक है। और कुतुबशाही मकबरों में, कुतुबशाही राजवंश के शासकों में प्रमुख सात मकबरे हैं, ठीक है, प्रमुख सात मकबरे हैं। और कुछ बाकी इसके फैक्ट है इसके बारे में, जैसे सुल्तान कली कुतुब, सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के बारे में है, जमशेद कुली कुतुब शाह के बारे में है, सुभान कुली कुतुब शाह, इब्राहिम कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये सारे कुछ इनके बारे में है, ठीक है। सात मकबरे शामिल है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पॉज करके वीडियो को। इसके अलावा कुछ अन्य स्मारक भी, जैसे चार कमान, ये चार मेहराब हैं, इनका निर्माण 1592 ईस्वी में कराया गया। उत्तर की मेहराब को मछली कमान यानी मछली मेहराब कहा जाता है, दक्षिण मेहराब को चार मीनार, पूर्वी मेहराब को शंभू प्रसाद यानी काला मेहराब या काली कमान, और पश्चिम मेहराब को शेर दिल या सिर बातिल कहा जाता है। मक्का मस्जिद की अगर हम बात करें इसमें, तो मस्जिद को दो भागों में यानी बड़ी मस्जिद दाजामी और छोटी मस्जिद मस्जिद में विभाजित किया गया है इसमें, ठीक है। दारुल शफा यानी इस दो मंजिला इमारत को 1595 ईस्वी में बनाया गया, और यूनानी चिकित्सा का एक अस्पताल तथा साथ में एक महाविद्यालय भी था। ऐसे ही बादशाही आशुरखाना के बारे में है, ठीक है। कुतुबशाही राजवंश की अगर हम बारे में देखें, तो इसकी स्थापना जो है सुल्तान कुली कुतुबुल मुल्क ने की थी, ठीक है, और 171 वर्षों तक शासन किया। और ये राजवंश जो है बहमनी साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। इनके शहर देखें तो मोहम्मद नगर, इसकी स्थापना सुल्तान कुतुब उल मुल्क ने की थी, कुली कुतुब मुल्क ने, ठीक है, कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी। बहुत ज्यादा मतलब वैसे हो रहा ना, नाम को तो पढ़ने में बहुत कठिनाई सी महसूस हो रही है, लेकिन सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क ने की थी, ठीक है। ये पूर्व के प्रमुख जो शहर हैं उनमें से एक है पहले के, और ये नगर जो है ना हीरे और कीमती पत्थरों के व्यापक के लिए भी प्रसिद्ध है। हैदराबाद की अगर हम बात करें, तो इस शहर की योजना के निर्माण और इसकी स्थापना का श्रेय जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह को दिया जाता है। भाषा यहाँ पर फारसी थी, तेलुगु भी आम लोगों की यहाँ भाषा थी। सामाजिक धार्मिक स्थिति अगर हम देखें, तो मुसलमानों के जो है यहाँ पे सिया संप्रदाय से संबंधित थे, यानी कि कुतुबशाही सुल्तान मुसलमानों के सिया संप्रदाय से संबंधित थे। शिया लोगों को प्रशासन में उच्च पद प्राप्त थे। राज्य में निवास करने वाले हिंदुओं में बाल विवाह, दहेज प्रथा, सती प्रथा जैसी जो है कुरीतियां प्रचलित थी। मुगल बादशाह औरंगजेब ने लगातार 8 महीने तक गोलकोंडा किले की घेराबंदी भी की, और 1687 ईस्वी में, देखिए वो एक मूवी आई थी तानाजी, तानाजी मूवी आई थी, तो अजय देवगन वाली, आप लोगों ने शायद देखी होगी। तो उसमें गोलकुंडा किले के बारे में पूरी मूवी में काफी इतिहास उसमें और दिया हुआ है, गोलकुंडा किले की शूटिंग दर्शाई गई है उसमें कि गोलकुंडा किले पर किस तरह, तो वो कुछ मूवी से रिलेट करती है। आप लोग चाहें तो फ्री टाइम में देख सकते हैं, अपने दिमाग को रिलैक्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ सारी चीजें हैं। और देखिए 1687 ईस्वी में मुगलों ने किले पर हमला कर दिया, और अंतिम जो सुल्तान था उनको बंदी बना लिया, और इससे क्या हुआ, कुतुब शाही राजवंश का अंत हो गया। शॉर्ट न्यूज की अगर हम बात करें, तो ये मानगढ़ नरसंहार के बारे में, मसाकरे के बारे में, यानी 1913 में राजस्थान के मानगढ़ यानी बांसवाड़ा में एक त्रासदी हुई थी, और इस घटना में अंग्रेजों ने लगभग 1500 आदिवासियों और वनवासियों की हत्या कर दी। त्रासदी है ये, और ये जो त्रासदी थी ना, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश के आदिवासियों को रियासतों के शासकों के साथ अंग्रेजों द्वारा भी प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें पूरी कहानी है। इसके कारण भील जनजाति के लोगों की स्थिति बदतर हो गई। आपदा में लगभग 6 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, ठीक है। गोविंद गुरु के बारे में अगर हम बात करें इनसे रिलेट करके, तो ये राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गुजरात के इडर, मध्य प्रदेश के मालवा, ये यहाँ यहाँ के आदिवासियों के क्रांतिकारी नेता थे ये। और ये जो है ना भील और गरसिया आदिवासी समुदायों के बीच आदिवासियों को एकजुट करने वाले एक महान नेता भी रहे हैं, ठीक है। भीलों की स्थिति में सुधार के लिए गुरु गोविंद ने 1908 में भगत आंदोलन स्टार्ट किया, यानी भगत आंदोलन की शुरुआत की, और इसमें इन्होंने जो है ना शाकाहारी भोजन करने और शराब से दूर रहने पर बल दिया। फिर दूसरा आता है आपका लचित बोरफुकन के बारे में। हाल ही में क्या हुआ, अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 400वीं जयंती का 3 दिवसीय जो उत्सव है न्यू दिल्ली में मनाया गया, और इस आयोजन का जो उद्देश्य था वो लचित बोरफुकन की वीरता, युद्ध कौशल के प्रति उनकी लोगों के देश के लोगों की संवेदनशील बनाना था, ठीक है। लचित बोरफुकन, इनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ, अहोम सेना के सेनापति रहे हैं, ठीक है। लचित को राजा चक्रध्वज सिंह द्वारा
अहोम साम्राज्य के 5 बोर फुकनों में से एक के रूप में चुना गया था। इन्हें प्रशासनिक, न्यायिक और सैन्य जिम्मेदारी दी गई थी। लचित बोरफुकन ब्रह्मपुत्र नदी पर सराय घाट के युद्ध के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं ये। इन्होंने 1671 ईस्वी में मुगलों को पराजित किया था। मुगलों के युद्ध में बोरफुकन ने गोरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया गया था। कुछ पूरा इसमें बैकग्राउंड है। अहोम साम्राज्य की अगर हम बात करें तो अहोम राजवंश जो है 600 से ज्यादा सालों तक, 1228 और 1826 के बीच असम पर इन्होंने शासन किया और दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजवंशों में से ये एक रहे। ठीक है, इस साम्राज्य में जो है दिल्ली सल्तनत के तुर्क और अफगान शासकों और बाद में मुगलों ने इसमें आक्रमण किया और अहोम साम्राज्य ने एक सीमा द्वार के रूप में कार्य किया था। इसने क्रूर आक्रमणों से जो पूरा दक्षिण पूर्व वाला इलाका है इसकी जो है रक्षा की, यानी एशिया की रक्षा की। इन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया की और अहोम तथा मुगल सेनाओं के बीच 1615 ईस्वी से 1682 ईस्वी तक संघर्ष की एक लंबी श्रृंखला रही है। ये संघर्ष जो है जहांगीर के शासनकाल से स्टार्ट होकर औरंगजेब के शासनकाल तक लगातार चलता रहा या जारी रहा। ठीक है, कुछ क्राफ्ट्स हैं जो न्यूज में रही हैं, जैसे पहाड़ी लघु चित्रकला यानी कांगड़ा शैली। ये जो है ना चित्रकला और पुस्तक चित्रण की एक शैली है ये, और भारत में हिमालय की तलहटी की स्वतंत्र राज्यों में ये विकसित हुई है। ठीक है, ये चित्रकला कांगड़ा क्षेत्र के एक प्रमुख शासक राजा संसारचंद इनके संरक्षण में डेवलप हुई है। और कांगड़ा शैली अब तक की सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक भारतीय शैली में से एक है। इसकी विशेषताओं में रेखाएं की सूक्ष्मता, रंग की चमक और अलंकारिक विवरण है। कुछ लोकप्रिय विषय हैं इस शैली में चित्रित, जैसे भागवत पुराण हो गया, गीत गोविंदम, नल दमयंती, बिहारी रसतसई, रागमाला और बारहमासा। ठीक है, फिर आता है आपका मातानी पछेड़ी। इसका शाब्दिक अर्थ है मातृ देवी के पीछे। पछेड़ी एक धार्मिक हस्तनिर्मित वस्त्र है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है गुजरात के घुमंतू बागरी समुदाय के लोगों द्वारा की गई थी और उनकी निचली जाति होने के कारण उन्हें माता के मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था। कुछ ये कुप्रथाएं देखिए पिछले समाज में चली आ रही थी, जिनको बहुत सारे संघर्षों के बाद दूर भी किया गया है। मातानी पछेड़ी को गुजरात की कलमकारी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये दक्षिण भारत की कलमकारी कला से मिलती जुलती है और इसमें चित्रकारी की एक विधि यानी बांस से बनी कलम का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका पिथौरा चित्रकला। इसका इतिहास जो है पुराना है और गुफा चित्रों में भी इस कला शैली के दर्शन होते हैं। ये चित्रकला जो है गुजरात, राजस्थान, एमपी के कुछ हिस्सों में और भील, नायक और ताड़ी जनजातियों द्वारा बनाए गए चित्रों को देखने में मिलती है। ठीक है, इसमें ये क्या है आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक और पौराणिक जीवन और मान्यताओं के संबंध में जानकारी देती है। इसमें 7 घोड़े जो है इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये जो है ना एक कला से अधिक एक अनुष्ठान रखते हैं। फिर आता है आपका सुलेमानी कटोरे। देखिए इसका जो मध्यम स्तर का ये मूल्यवान पत्थर है एक तरह का ये, और ये राजपीपला इसकी भूमिगत खानों में रतनपुर में नदी तल में ये पाया जाता है और उस पत्थर को इन कटोरे जैसी अलग अलग सजावटी वस्तुओं को बनाने के लिए निकाला जाता है। 18वीं शताब्दी में खम्बात का बंदरगाह जिसे सुलेमानी पत्थर उद्योग का ये केंद्र रहा है, अब आनंद जिला। फिर आता आपका पाटन पटोला, यानी कि शुद्ध रेशम में बुनी गई दोहरी इकतिया पटोला की प्राचीन कला है ये और 11वीं शताब्दी के समय उत्तरी गुजरात के पाटन क्षेत्र की कला है। पटोल वस्त्र दोनों तरफ रंग और डिजाइन की समान गहनता दर्शाते हैं। इस टेक्निक को बांधनी प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है और इसमें ऊर्ध्वाधर धागे को ताना जबकि क्षैतिज धागे को बाना कहा जाता है। ठीक है, ताना बाना। फिर आती है आपकी किन्नौरी शॉल। ये हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध शॉल है। इसके ज्यामिति डिजाइन पर मध्य एशियाई संस्कृति का प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके डिजाइन में ऐसे रूपांकन है जो धर्म और संस्कृतियों के प्रतीक है। इसमें प्राकृतिक रंग अर्थात धूसर, काला और भूरा और सफेद है। अलंकरण के रंग इसमें रंग नारंगी, नीला, हरा है। ठीक है, ये सारे कुछ चीजें हैं। फिर आपका एक टॉपिक आता है इसमें शादानी दरबार के बारे में। देखिए पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए संत सादाराम साहिब की 314वीं जयंती समारोह में भाग लेने हेतु वीजा जारी किया है। पाकिस्तान ने भारतीय तीर्थ यात्रियों के लिए, देखिए कितनी बड़ी चीज ये पाकिस्तान द्वारा की गई है। इससे क्या होगा, दोनों देशों के संबंध सुधर सकते हैं, लेकिन लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी भी रहा है। पाकिस्तान हमारा चिर प्रतिद्वंदी भी रहा है, हो सकता है इसमें कुछ उसकी चाल भी हो। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। ये चलिए हमारा तो विषय नहीं है ये कि इसमें क्या उसकी चाल है क्या नहीं उसकी चाल है। हम तो ये समझेंगे कि ये क्या है शादानी दर।
देखिए, शादाणी दरबार मंदिर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। दुनिया भर के हिंदू भक्तों के लिए पवित्र स्थान भी है, और इसकी स्थापना 1786 ईस्वी में संत सादाराम साहिब ने की थी। उन्हें भगवान राम के पुत्र लव का वंशज और भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है। फिर आता आपका इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। साल 2021 का इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में एक सरकारी संगठन प्रथम को दिया गया। ये पुरस्कार जो है स्पेशली COVID-19 महामारी के दौरान बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिया गया, और इस पुरस्कार को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की स्मृति में स्थापित भी किया गया। ठीक है, ये पुरस्कार इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट व्यक्तियों और संगठनों को हर साल दिया जाता है। ठीक है जी, ये पूरा कल्चर हमने कवर कर लिया। डिटेल में हमने प्रिलिम्स और मीन्स के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया। अब हम डिस्कस करते हैं जो एक स्कीम जो न्यूज में रही, जैसे भारत बुनियादी ढांचा परियोजना विकास निधि योजना। चर्चा में इसलिए क्योंकि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल परियोजनाओं के परियोजना विकास खर्च की वित्तीय सहायता के लिए एक योजना को अधिसूचित किया। उद्देश्य इसका क्या है? यह केंद्र और राज्य सरकार दोनों स्तरों पर परियोजना प्रायोजक प्राधिकरण को आवश्यक जो है फाइनेंशियल हेल्प करेगा। इसका उद्देश्य है पीपीपी परियोजनाओं के विकास में लगे या लेन देन सलाहकार और परामर्शदाताओं की लागत की पूर्ति करना। देश में जो है आधुनिक बुनियादी ढांचे के विजन को प्राप्त करने के लिए ये पीपीपी परियोजनाओं का एक सेल्फ तैयार करेगी। ये जो है ना प्रायोजक प्राधिकरण को लेन देन लागत के हिस्से को कवर करने में मदद करेगी। ये सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, एक ये न्यूज हमने चर्चा में जो रही उसको डिस्कस किया, बाकी कल्चर को हमने कवर कर लिया। तो पूरा लेक्चर हमने डिटेल में कवर किया। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा। सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।